यू नो सिम, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मेन आर कॉल्ड डॉग्स. कुत्ते ना वफादार होते हैं. आई जस्ट कांट बिलीव कि सिड ऐसा निकला. चिल अन्नू, टेक इट इजी. हाय सिमरन, मैं मुंबई से गोवा तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं. आई स्टिल बिलीव कि तुम ही मेरी सोलमेट हो सिमरन, और मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वैसी हो. ट्रस्ट मी सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है. हेलो, मैं बहका रही हूं? ये देख रहे हो, ये वही रिंग है जो तुमने सिमरन को दी थी, और ये इसने मुझे पहनाई है. मेरी दी हुई रिंग तुमने इसे पहना दी? इसका मतलब? मतलब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है. इंगेजमेंट? मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें 5 लाख की रिंग दी, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में. आज समझ में आया कि सोलमेट वोलमेट सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं. शायद मैं इसमें कुछ ज्यादा मतलब ढूंढ रहा था. लगता है मेरी डेस्टिनी में वेडिंग रिंग नहीं, सिर्फ सफरिंग है. बाय सिमरन, बाय. व्हाट्स रॉन्ग विद यू सिम? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसे प्यार करती हो? यू आर लकी कि तुम्हें आदि जैसा लड़का मिला है. लुक एट मी, मैं जिसे प्यार करती हूँ वो एक चीटर निकला. आदि जैसे लड़के को हाथ से मत जाने. बिलीव नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है डूड जो सिमरन की गर्लफ्रेंड है. आर यू श्योर? मैंने अपनी आंखों से देखा है डूड. मैंने सिमरन को जो रिंग दी थी वो उसने पहनी थी. रिंग? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. नो वंडर वो एडम एंड स्टीव में थी. अपनी सीन का तो फुल केरोसिन हो गया यार. जिन लड़कियों से हमने प्यार किया वो तो एक दूसरे से प्यार करती है. अब तो मुझे वो पार्टी भी नहीं चाहिए, बस सकरों को लेके निकल जाते. वैसे भी हमारे लिए रखा क्या? अब बस एक बात की खुशी है डूड, कि तू भी मेरी तरह कन्वर्टर निकला. गाना सुनाई दे रहा है? वेलकम टू द क्लब. व्हाट अ फनी गेम, वन स्टिक एंड सो मेनी बॉल्स. नाइस शॉट. बात क्या है डैड? तुम लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है. हाँ, मैं शादी करने वाला हूँ. शादी इस उम्र में? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माँ और पिताजी की शादी की बात कर रहा हूँ. आप कुत्तों की शादी करा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज अनु. जरा सोचो, हम लोग कितने लकी हैं. तुमने कभी बच्चों को माँ बाप की शादी में जाते हुए देखा है? हम जाएंगे. हाँ. और शादी का मुहूर्त भी आज का ही निकला है. थैंक्स टू बाबा 3G. मैंने तो शादी के कार्ड भी भेज दिए हैं. माइकल मार्लो वेड्स रोज मैरी मार्लो. ओके, नाउ आई विल गो टू माय बॉल्स. डैड, ओ
आदि, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज मीट? सिड, घर पर कोई नहीं है, सब सब लोग शादी पर गए। शादी? हमको तो बताते हुए भी शर्म आती है, ऐसे कोई करता है शादी? अन्नू मैडम और उनकी सहेली के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो रही है। बस उस गुरु ने कह दिया और मार लो जी मान गए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है? अरे जो इंसान कुत्तों को माँ बाप मान सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है यार। ये शादी तो रोकनी पड़ेगी डूड। लेट्स गो। सारे देवगण भी आ गए। हाय अजय, थैंक यू फॉर कमिंग। शादी हो जाए तो बाप के नाम पे भी ट्रस्ट हो लेगा। हाँ। सारा पैसा लेकर मायामी चले जाएंगे हम, तुम और सुदामा। फादर? यस मिस्टर मालदेव। पिताजी आप नहीं, फादर। फादर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गैदर्ड हियर दिस मॉर्निंग टू विटनेस द होली रियूनियन of a very unusual couple. Rosemary Marlowe, do you take Michael Marlowe to be your lawfully wedded husband? Maa haan keh rahi hai, muskura bhi rahi hai. Nice. Mr. Michael Marlowe, do you promise to take Miss Rosemary Marlowe to be your lawfully wedded wife? Haan bol diya. I now pronounce you man. Now, ladies and gentlemen, it's party time! Thank you for coming, Mr. Dabakar De. Yeah, to put tight security here, dude. How are we going to go inside? We can't go inside, but we can go inside. मिस्टर एंड मिसेस लेले, अबे साले तुझे यही कार्ड मिला था क्या? लेले, इससे अच्छा इनविटेशन और क्या हो सकता है? That's nice, मिस्टर मार्लो। यस, मैं पोपट। ओके, अब तो तू दिया था ना, उच्चे पैसे लेने आया हूँ। क्या दिया था? हाय स्वीटी, मुझे आराम से लगा। तुझे अपने प्यार का वास्ता। बस कर यार, कितना लगा रहा है? थोड़ा और थोड़ा, बस 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 बस। पहली बार इतना लगवा रहा हूँ यार। थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा। अरे फिट नहीं हो रहा यार, बहुत टाइट है। स्ट्रेच कर, स्ट्रेच कर। अरे लगता है अटक गया। क्या? आराम से, आराम से, वरना फट जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैठिए करते हैं। ओ ओ, फाइनली काम हो गया। सिट किसी और के साथ, इम्पॉसिबल। He's mine. ये मार्लो साहब ने किसकी शादी पे बुलाया है? फोन पर तो कहा था कोई सरप्राइज शादी है। वो बात छोड़ो, हम गोवा मार्लो की सरप्राइज शादी में नहीं आए हैं। हम गोवा तुम्हारी बेटी को लास्ट टाइम समझाने के लिए आए हैं कि चिंटू के साथ शादी कर ले। इतने लड़के लोगों को ना कहेंगे, हा? लोग क्या समझेंगे, तुम्हारी बेटी में ही खोट है। कितना क्यूट है ना। इनविटेशन प्लीज। थैंक यू। Excuse me, photo of the unique couple. Thank you, thank you. दूध लिया, फिर भी पैसे नहीं दिया। क्या कहा आपने? क्या दिया? दूध मुझे भी चाहिए। आप तो भी चाहिए, लेकिन माल अच्छा होना चाहिए। चाब, आप क्वालिटी की तो बिल्कुल फिकल मत करो। पोपट नाम है मिला। आप थाली मेले को इतना बोले इंडियन चाहिए क्या? फॉरेन, फॉरेन भी है। अरे चाब, मेले पास तो अमेरिकन भी है, लचियन भी है, इटालियन भी है। आप तो मैं एल्बम भी दिखा सकता हूँ। एल्बम, एल्बम पूरी तैयारी। एक बात बता दे, शॉर्ट टाइम के लिए कितना और फुल नाइट के लिए कितना? चला अश्लील आदमी, मैं तेरे से दूध की बात कर रहा हूँ और तू ऊंट की बात कर रहा है। भाग, भाग।
लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई सिमरन। अरे तुमने अपना सेक्स चेंज करवा लिया? अगर तुम मेरी लाइफ में आने को तैयार हो तो मैं सेक्स चेंज करने को भी तैयार हूँ सिमरन। आदि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं हो तो फिर ये शादी? वो तो अंकल कुत्तों की शादी करवा रहे हैं। कुत्तों की शादी? ऐसी शादी कराने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी सोसाइटी में क्या मुंह दिखाए? जरा चेहरा देखिए उसका, कितनी दुखी लग रही है। पूछो इससे, पूछो क्या उस शादी से खुश है? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दिस इज माय पर्सनल डिसीजन, ओके? कैसे बाप है आप? ये भी नहीं सोचा कि आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इनको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मतलब क्यों? आपको डेफिनेटली इलाज की जरूरत है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे मिलते ही प्रपोज कर दिया। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। तुमसे ज्यादा चिपको मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, और अब लगता है इस चिपको के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। ये क्या कर रही हो सिमरन? आज तो मैं आपको अनाथ करके रहूंगा, देखते हैं कि ये आपके पिता है या मेरा भाई। ये तुम्हारे डैड है पायलागु जी। जीती मत रहो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ नहीं आई, वरना तुम्हारी हरकतें देख के उसको तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसी लड़की बनना चाहते थे हमारे घर में? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये ऐसी ये ऐसा नहीं है। अंकल आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो लड़का हूँ। कम से कम लड़का तो है। भाई एक एक को चुन चुन के लेना। ये बुरी आत्मा जरूर दिन की होगी, दिन नाम था लेकिन काम हमेशा रात वाले करता था। इधर तेरे बोतल से पानी आ रहा है, उसके आग से पानी आ रहा है, और इसके तो ये सब जो हो रहा है ये तुमने क्यों किया? ये शादी तोड़ने के लिए। How sweet. Thank you, Sid. वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ? Impossible. मेरी शादी? अरे अगर तुम दबा कर दे हो तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरे पिताजी दबा कर ले रहे हैं, कुछ करो यार। मार्लो जी, आपके पिताजी छूट गए। Let's begin the holy ceremony. दबा कर दे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह सर, ये म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने का काम करता था। हाँ, आप जैसे लोगों को कुत्ते बेचकर ट्रस्ट खोलना और उनके ट्रस्ट के साथ खेलना, ये उसका पुराना धंधा है। सर ना ही आपके पिताजी है और ना ही ये कोई गुरुजी है, इसे मैंने 4 साल जेल भिजवाया था, अब इसे वापस वही भिजवाना पड़ेगा। क्या ये सच है? मार्लो जी अब फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं, ये आप ही के पिताजी है, ट्रस्ट में। ओहो रावण क्या 3G बाबा की जीप पर लात मारूं? अवश्य। किसी ने मेरी मारने की कोशिश की तो मैं इन्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। ए, मेरे पास नहीं आना वरना गोली चला दूंगा। हम लोग हिंदी फिल्म के हीरो हैं। हम लोग नहीं मरने वाले, इस गलत फहमी में मत रहना। शोले में अमिताभ, आनंद में राजेश खन्ना, भूल गए।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो थे और हम लोग ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असली बंदूक है। मजा आ रहा है? दो बंदूक तो फिर एक मुझे दे दो। कौन सी वाली? जिसमें कम मजा आ रहा है वो दे दो। तो ये ले लो। चलो दे। हाथ में मत लो। हाथ में लेने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। तो दे दो। आपको किसने बुलाया? बुलाने की क्या जरूरत है, फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? गुड पॉइंट। नहीं, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, वरना इस बाबा 3G के चक्कर में आकर मैं कुत्तों को माँ बाप समझकर उनकी शादी कर रहा था। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। आदि को आखिर उसकी सोलमेट मिल ही गई और सिमरन के आते ही उसे चिंगम भी मिल गई। गोवा की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी डीजे सिड ने बजाई, और वो भी अकेले नहीं, अनु के साथ। सखरू ने आखिर अपनी आदतें बदल ही दी। टुडे ही इज बिकम अ वन वुमन मैन। कुछ भी बोल यार, आखिर हमने अपना इंप्रेशन माचो माचोस की फोटो खींचो।